नमस्कार दोस्तों, क्विक इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शादी के बाद पति पत्नी तुरंत कर लें ये चार काम, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाएंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे चार कामों के बारे में बताने वाले हैं जो कि शादी के बाद पति पत्नी को तत्काल कर लेना चाहिए, वरना जिंदगी भर रोते रहेंगे। कौन से हैं वो चार काम, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। आप चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शादी हर व्यक्ति के जीवन का खास दिन होता है। इसके बाद उसकी लाइफ में कई सारे परिवर्तन आते हैं और बहुत सी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि शादी के बाद उसकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई बड़ी समस्या आए और उनके रिश्ते टूट जाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे काम बताने जा रहे हैं जिन्हें शादी के बाद करने से आपके रिश्ते हमेशा ही मजबूत रहेंगे, आपकी शादीशुदा लाइफ में कोई परेशानी नहीं आएगी और आपके पार्टनर से आपका कोई भी झगड़ा नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, आप बिना किसी देरी के आपको उन चार कामों के बारे में बता ही देते हैं जो कि शादी के बाद पति पत्नी को तुरंत कर लेना चाहिए। नंबर एक, बेडरूम से टूटा हुआ सामान हटाना। जी हाँ दोस्तों, शादी के बाद आप और आपकी बीवी जिस बेडरूम में रहने वाले हैं, वहाँ कोई भी टूटा सामान जैसे कि टूटा हुआ पलंग, टूटा हुआ आईना, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आदि चीजें ना रखें। जी हाँ दोस्तों, इन टूटी फूटी चीजों के बेडरूम में रहने से काफी नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, ये नकारात्मक ऊर्जा आप दोनों के रिश्तों में दरार डालने के लिए काफी होती है। जब बेडरूम में ज्यादा निगेटिविटी रहती है तो इंसान भी कुछ हद तक निगेटिव हो जाता है और फिर इस वजह से लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप शादी होते ही सभी टूटी फूटी चीजों को अलविदा कह दें। नंबर दो, सत्यनारायण कथा। जी हाँ दोस्तों, शादी के बाद आप दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें आपके घर और आपके सदस्य भी अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में इन सभी के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए घर में एक सत्य नारायण कथा अवश्य कराना चाहिए। इस कथा से पूरा घर और उसमें रहने वाले लोग पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हैं। ऐसे में नई बहू के घर में आने से उसकी किसी से नोकझोंक होने के चांस भी कम हो जाते हैं। और दोस्तों, साथ ही ये आपकी तरक्की में भी लाभकारी होती है। दोस्तों, इस कथा में हवन के सामने पति पत्नी साथ में बैठें और कथा में घर के सभी सदस्यों को जरूर शामिल करना चाहिए। नंबर तीन, दान धर्म। जी हाँ दोस्तों, शादी के बाद अगर आपको थोड़ी लोगों की दुआएं मिल जाएं तो इससे कोई बुराई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी आने वाली जिंदगी के लिए काफी फायदेमंद चीज है। इसलिए आपको शादी के बाद किसी ब्राह्मण, गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को पैसे या कोई वस्तु दान जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो किसी मंदिर या अनाथालय में भी दान कर सकते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आप किसी जानवर की मदद के लिए भी कुछ कर सकते हैं। आप काम कुछ भी करें, बस नेक इरादे से और दिल खोल के करें। नंबर चार, पति के हाथ का सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, शादी के बाद हर महिला अपने पति के नाम का सिंदूर माथे पर लगाती है। ऐसे में शादी के बाद अगर पति कम से कम 21 दिनों तक अपनी बीबी के माथे पर सिंदूर लगाता है तो ये काफी शुभ माना जाता है। वैसे इन 21 दिनों के बाद हफ्ते में कम से कम एक बार पति को अपने हाथ से बीबी की मांग जरूर भरनी चाहिए। तो दोस्तों, यही वो चार काम ऐसे हैं जो कि शादी के बाद पति पत्नी को जरूर करना चाहिए, वरना जिंदगी भर पछताते रह जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में
फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर रोज नए वीडियो आप आसानी से देख सकें। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।